हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी 50 मार्क के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ये इस वीडियो सीरीज की चौथी वीडियो है। इससे पहले हिंदी 50 मार्क के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपके तीसरे चैप्टर, जिसका नाम है भारत माता ग्राम वासिनी और उसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, इस चैप्टर से संबंधित आज के इस वीडियो में हम सभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पूछ रही है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वो दोस्तों 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तरांचल राज्य के कौसानी गांव में हुआ था। तो दोस्तों, यहां पर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आप हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आपका जो अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि भारत माता ग्राम वासिनी किसकी रचना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 का जो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत माता ग्राम वासिनी जो चैप्टर है, कविता है, उसके रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद आपका जो 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चितंबरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का एक रचना है और इस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रही है कि युगवाणी किसकी रचना है। तो दोस्तों, आपको बता दे कि 4 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद आपका जो दोस्तों 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछ रही है कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कला और बूढ़ा चांद जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि भारत कहाँ बसता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत माता ग्राम वासिनी, कवि के द्वारा बोला गया कि भारत माता ग्राम वासिनी, ग्राम मीन्स होता है गांव, इसीलिए दोस्तों यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गांव में। भारत माता कहां बसते दोस्तों, गांव में। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कविवर सुमित्रा नंदन पंत का स्वर्गवास कब हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1970 ईस्वी में कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का स्वर्गवास हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि पंत जी का काव्य ग्रंथ उच्छ्वास का प्रकाशन है, उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था, ये दोस्तों आपको बताना। उच्छ्वास उसका जो है एक काव्य ग्रंथ है और इसका प्रकाशन कब हुआ था ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उच्छ्वास जो उनका ग्रंथ है उसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर होगा वो 1922 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, बता दें आपको कि प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जो प्रसिद्ध है वो सुमित्रा नंदन पंत है। तो 9 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो दोस्तों 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि पंत की काव्य प्रतिभा को पंख किस क्षेत्र की नैसर्गिक सुषमा के बीच है ना खेले। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 10 का जो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि अल्मोड़ा। इसके बाद दोस्तों आपका जो 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि बनारस आने पर पंत जी का साक्षात्कार किसके साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दे कि पंत जी जब 1918 ईस्वी में अपने मझले भाई के साथ बनारस आए थे तो उनका साक्षात्कार यानी कि उनका जो भेंट है दोस्तों वो सरोजनी नायडू और रविन्द्रनाथ टैगोर से हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है और सरोजनी नायडू को दोस्तों भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न, बता दें कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। और अगर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों विश्व कवि के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल चुका है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज किसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, तो दोस्तों आपको बता दें कि इनकी एक रचना है जिसका नाम है गीतांजलि, और गीतांजलि बहुत ही फेमस हुआ जिसके कारण दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला। और यही कारण है कि इनको हम लोग जो है बोलते हैं आपका विश्व कवि। इसके बाद दोस्तों आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि पल्लव का प्रकाशन कब हुआ, तो दोस्तों आपको बता दें कि 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पल्लव जो उनकी काव्य रचना है वो 1928 में उसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद आपका जो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रही कि कौन सी कीर्ति पंत की लिखी नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा चैप्टर, कौन सा ऐसा बुक है जो पंत जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रसीमर्थी जो है वो पंत जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो अब बात है कि दोस्तों ये रसीमर्थी किसके द्वारा लिखा गया, दोस्तों आपको बता दें कि रसीमर्थी जो है वो लिखा गया है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, तो ये भी आप याद रखें। इसके बाद जो दोस्तों आपका 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है पूछ रहे कि कौन सी कृति पंत की लिखी नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र दोस्तों एक रचना है जिसका रचनाकार पंत जी नहीं है। इसके बाद आपका जो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सी कीर्ति पंत की लिखी नहीं है, तो यहाँ पर रसीमर्थी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि आज़ादी के पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो दोस्तों बता दें आपका जो भारत माता ग्राम वासिनी है उस कविता में कवि एक लाइन लिखे हैं कि 30 कोटि संतान नगनतन, यानी इसका अर्थ है दोस्तों कि भारत माता का उस समय में जो था वो 30 कोटि संतान, 30 कोटि का मतलब होता है दोस्तों 30 करोड़, तो यहाँ पर 16 का जो डी ऑप्शन है 30 कोटि, 30 कोटि मतलब 30 करोड़, और अभी अगर देखा जाए तो 130 करोड़ लगभग हो चुका है, यानी कि हम लोग का जनसंख्या डायरेक्ट 100 करोड़ अभी तक के आज़ादी के बाद से हम लोग का जनसंख्या बढ़ चुका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पूछ रहे कि आज़ादी के पहले 30 करोड़ जनता की हालत कैसी थी, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज़ादी के पहले जो है 30 करोड़ जनता का जो हालत था वो भूखा, नंगा, अभावग्रस्त और शोषित था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 18 नंबर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पूछ रहे कि भारत माँ का आंचल कैसा है, तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत माता ग्राम वासिनी कविता में कवि के द्वारा लिखा गया है मैल भरा धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, धूल भरा मैला सा भारत माता का आंचल है। इसके बाद आपका जो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है गंगा यमुना में आंसू जल का क्या अर्थ है, तो दोस्तों आपको बता दे कि गंगा यमुना में आंसू जल का दोस्तों यहाँ पर जो अर्थ है सो दोस्तों आपका है भारतवासी दुखी है, भारतवासी दुखी है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि भारतवासियों के चेहरे पर क्या जरा हुआ है, तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतवासियों के चेहरे पर दैन्य जरा हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पूछ रही है कि नीरव रोदन का क्या अर्थ है, तो दोस्तों आपको बता दें कि नीरव रोदन का जो अर्थ है वो होता है बिना आवाज़ की रुलाई, यानी कि बिना आवाज़ का रोना, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। Send me pieces of that together now. What's your vision?